अस्सलामुअलैकुम शहनाज़ की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मैं बाहर जाकर के आ रही बाज़ार लेकर के, इतनी बारिश इतनी कि हद नहीं है, फिर मेरे कपड़े भी गीले हो गए और मैंने मेरी बेटी को मोमो खाना था तो इसके से मैंने मोमोज लेकर आ गई। तो चलिए आप लोग भी आइए खाने के लिए। तो देखिए अभी अंतिम से वीडियो कर रही है तो मैं एक टेस्ट करके बता दूँ कैसा लग रहा है। बहुत टेस्टी है, कम आना में हमारे ये मोमोज मिलते हैं। अगर आप लोग को लेना है तो आप आ सकते ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। चटनी खास तौर पर बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी चटनी। तो देखिए जब मैंने दी थी तब ये गरम गरम से, असल में बाहर बारिश को मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी इसलिए थोड़े ठंडे हो गए वो, नहीं तो उनमें वो गरम गरम ही मिली दी थी। तो चलिए अगर पहले हम दोनों माँ बेटी खा लेते हैं फिर बना। हमारे चैनल पे मोमो की वीडियो भी है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ हाँ सही बात है, मैंने मोमो की वीडियो भी बनाई हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे जाइए और मेरी मोमो की वीडियो देखिए, ऐसी ही बनाई हूँ मैंने। तो इधर बिल्लियों का खाना भी हो रहा है, हो गया वो देखो थैली में ही मुँह डाल रहा है। खा लूँ, मेरे गोलू को चिकन खाना था इसके लिए मैंने लेकर आई, पहले लोगों ने डाल दी। तो चलो अंजू आ जाओ। हाँ देखिए अभी आज मैं बनाने जा रही हूँ, अभी खाने में कीमा बना रही हूँ क्योंकि बारिश बहुत थी। तो मेरे तो हस्बैंड बोले थे मछली लाने के लिए, इसकी बारिश में कौन सी मछली मिलेगी बाबा, कौन से समंदर में मिलेगी, मेरी समझ भी नहीं आता। तो मैंने उनसे कहा मुझे तैरना नहीं आता तो आप अगर तैरना जानते हो तो आप पकड़ के लेकर मैं पका दूँगी, फिलहाल मेरे पास मटन है मैं वही पका लेती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने मटन ली हूँ, कीमा ली हूँ, आलू ली हूँ, प्याज, हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया, नमक, अदरक लहसुन, थोड़ा सा अखा धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्च, दो चम्मच छोटे लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच छोटा हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर। और ये बीच बीच में जो मेरे बाबू की जो आवाज़ आ रही है ना तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिए क्योंकि वो शुरू ही रहता है, वो बंद नहीं होने वाला है और उसको हम बाहर भी निकाल नहीं सकते क्योंकि बारिश है, तो इस वजह से वो शुरू ही रहेगा, तो आप लोग उसमें गौर कीजिए। तो चलिए मैंने इसमें ऑयल पहले से डाल के रखी थी, ऑयल गर्म हो गई है, मिर्ची और कांदा मैं दोनों साथ में डाल दूँगी। देखिए वहाँ बाहर अभी भी बारिश चालू है, अंधेरा है, नहीं दिखे नहीं जैसे आवाज़ आती है। हाँ। तो अभी थोड़ा कांदे को मैं थोड़ा लाल कर लूँ, फिर बाद में मैं पूरे मसाले डाल दूँगी। तो देखिए अभी मेरा कांदा जो है कच्चा पक्का लाल हो गया, मुझे ज़्यादा लाल नहीं करना है, ज़्यादा लाल करेंगे तो कीमा काला पड़ जाता है। अब मैं सब मसाले डाल दूँगी। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च में बताना भूल गई थी आपको, और ये टमाटर, तो इसको मैं 5 मिनट तक पकने दूंगी ताकि टमाटर थोड़े नरम हो जाए और मसाला भून जाए, फिर मैं कीमा डाल दूंगी। चलिए बाद में मैं बताता हूँ। देखिए इतने सारे बर्तन जमा हो गए हैं, अब मैं पहले खाना बना लूँ फिर बाद में मैं बर्तन धो लूँगी। दुपट्टा सीख नहीं रहा, तो
देखते हैं, 5 मिनट हो गया मेरा कीमा भून के, ये मसाला भून के अब मैं ये कीमा डाल देती हूँ। आपको नहीं बताई हूँ, जो कीमा है ये 250 ग्राम मैंने ली हूँ, क्योंकि हम लोग की 3 दिन की फैमिली है तो हम लोग को इतना बहुत हो जाता है, तो 250 ग्राम मैंने कीमा ली और एक आलू ली। ये देखिए, अब इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। हमें को इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि वैसे ही कीमे का पानी टूटेगा। मेरी सीटी कहाँ गई? कहाँ गई? हाँ, मिल गई, घूमने गई। चलिए अब हमने सीटी लगा दिए, अब 10 या 5 मिनट में थोड़ा फूल आज को पकाऊंगी, फिर कुछ स्लो कर दूंगी, फिर उसके बाद में मैं बताती हूँ। और यहाँ मेरे पक रहे हैं चावल और यहाँ चढ़ा हुआ है कीमा, तो मेरा काम बहुत फास्ट रहता है। तो चलिए पहले मैं आटा गूंथ लूँ और रोटी बनाती हूँ, फिर बताती हूँ। देखिए ये मेरा कीमा बन गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए मेरा कीमा, रोटी, चावल बनके तैयार हो चुका है, बस अब हम लोग इसको खाने जाएंगे और आप लोग भी आ जाइए। देखिए तो अभी हम लोग इसको खाने जा रहे हैं और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, गरम गरम कीमा, चावल और रोटी। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अच्छे तरीके से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप नहीं कीजिए। तो चलिए मैं अपना व्लॉग बंद करती हूँ, अल्लाह हाफिज़।